एक टाइम दा रोटी बनता, एक टाइम खाना दी। अनगनगर गोरी वाली चलकंटे तो प्रेम मेरा नाम नवीन है जी और यही काम कर रहे आप माँ बाप बचपन से यही काम है जी लैंप बना और यही काम है अपना जी ट्रेन के अंदर आ जी आंध्र प्रदेश ये तो अपना घर है जी ये झोपड़ी का और ये रेंदे आप यही अपना घर है और ये रेंदे जी और ये रेंदे 15 साल हो गया जी इन्ने इन्ने बच्चे दी और ये रेंदे जी और हूँ तो कमेटी वाला आ गया कहते भाई उरे से चले जाओ उरे से कितने जाओ उरे तो जो गाहक मिलता है वही है और कमेटी वाला पहले तो झोपड़ी की पिड़ी भी तोड़ी हो गया हाँ वही टंग करता और कोई टंग नहीं करता जी बा गर्मी से ठंड से बारिश से तीनों से दिक्कत है जी तीनों से दिक्कत है वह कई नाल पानी ऊपर गिर जाता है रात के टाइम पूरी नींद नहीं रहता है बैठे रहो तरपाल के नाल और गर्मी बिच अंदर सोने के लिए भी दिल नहीं करता अंदर बाहर सोए कभी कोई गाड़ी वाला भी ऊपर चढ़ जाए पता नहीं है जी टाइम का सर्दी में तो कंबल भी नहीं है बरसात भी आया कुछ भी आया ऐसे ही रहना पैंदा है जी झोपड़े नाल और तरबाल भी सही नहीं है पटे पटे हुए हैं जी ये काम चले तभी खाना लेके आते हैं नहीं तो नहीं जी एक टाइम का रोटी बनता है एक टाइम खाना दी रात के टाइम सुबह का चाय आ जाइए जी और आगे मंदे काम मंदे तो चल रहे हैं आगे भी काम करने के लिए सोच रहे हैं आप अंदर दी आसाम से माल मंगाते हैं ट्रक नाल किराया भाड़ा भी साढ़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है पूरे काम दहा ही नहीं और करी जाता है कर भी बनाना है और भाई भी कर नाल बैठा हुआ है बड़ा भाई वो दी एक दी सरकारी जॉब लाई हुई है जी ये सरकारी लाइनमैन का और आप अनपढ़ लिखे हैं 5 तक बड़े हो गए और उनके बाद यही काम है अब पापा भी यही काम करता है जी हाँ जी हाँ जी क्या बार हो गया किसी ने एक बार आग लगा दिया किसी ने पता नहीं रात के टाइम हम सो रहे थे अपना झुग्गी साइड में था और साइड में आई थी और किसी ने पता नहीं रात के टाइम आग लगा के चले गया और थोड़ी जल्दी जल्दी हमने सोचा कहीं नहीं लाइट मार रहे होंगे गाड़ी वाले ने और देखते माल पूरी जल गया जी पूरी 50,000 का माल का नुकसान हो गया जी और 3-5 साल का पहले का वैल है जी और उनके बाद दूसरी माल मंगाया था और वो भी कट जाता है साल के बाद फिर मंगाना पेगा आसाम दे ट्रक नाल लेके आना पेगा और सर्दी में गर्दी में भी दिक्कत खैर रहता है जी हाँ जी हाँ जी चोरी किसी बंदे ने पता नहीं गाड़ी लेके आया टैली हमने भी 2-3 10-12 कुर्सी ले गया जी हूँ क्या कहते सकते हैं जी वो कहता उन्ने तक तो उन्हें कुर्सियाँ गिरसियाँ लेके चले गया जी हाँ हूँ की कह रहे दूसरी बार और माल लेके आया हूँ कमेटी वाला टंग करता जी कहते सरकारी का जगह और कितने बैठे हो जी और कहीं ला लो कहता जी उरे दी समझो जी लाख दी 1 लाख दी किराया गड़ा साढ़े हट गया जी बिक जाता है 1500 का जोड़ा वह 1500 का जोड़ा बिक जाता है जी हर चीज़ का लाइफ भी चलने वाला चीज़ है और गांव में भी उधार दा बहुत हो गया जी और साडा बापू भी दारू गिर पेंदे रहे घर पे पंगा कर देना जी केंदे कमाई कर देनी है वो कर देनी है हर काम दा हर काम कुछ नहीं आता जी आप पढ़ने के तो मन है लेकिन इतने उम्र में कौन है मतलब सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है आंध्र में कुछ काम नहीं है जी ऐसे
और एक मकान है ना, वो भी कच्चा मकान है। और साढ़ा यही काम है, घर पे तो कुछ काम नहीं है जी, आप दूसरे काम पे जाता नहीं है। और बापू भी शराब पी के लड़ाई करता जी, माँ लड़ते हैं कहते तुम की कमाते हो क्या करते हो, उसे तेरे बच्चे की कर रहे हैं, उन कमाते नहीं है कुछ नहीं करते हैं, साढ़ा घर नाल भज जाओ कहीं तो कहीं कहते जी। मैं कहता शराब गराब छड़ दो, आप यही काम है और के काम कर सकते हैं, अपना तो दूजे काम पर जाने नहीं देता, कहते यही काम करो यही काम करो, एक काम का मन नहीं लगता जी। और कुछ काम करने के लिए कहता बापू लड़ जाता है, कह रहा है और कुछ काम नहीं करना है, साढ़े यही काम करो। और साढ़ा भाई भी नौकरी करता है सरकारी का, अपना भी भाई पैसे नहीं दिता जी, उनकी मोटरसाइकिल में घूमते उनके कर्जा गिरता कि उनके भी नहीं बचते जी। आप भी सरकारी का नौकर करने के लिए सोच रहा है जी, नहीं चदू कौन ना इद्दा का आज तरवा दिन चदू को ले दू ये बोलिए जी। అనగనగా ఊర్లో ఉందే గోరింక పరియానకి వాలి చిలకంటే ఎంతో ప్రేమ అది నేను దక్కనదాజీ.